गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास फोर्थ में आपका हिंदी का आरटी ले रही हूँ जो कि चैप्टर थ्री से है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको चार शब्द अर्थ दिए हैं। पहला है वनस्पति, दूसरा चर्म रोग, तीसरा विषैले, चौथा प्राकृतिक। इनके आपको यहाँ अर्थ लिखने हैं। फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको दिए हैं सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए, यानी क्वेश्चन के साथ दो ऑप्शन हैं, जो राइट ऑप्शन है आप वही लिखेंगे। तो देखिए, किस वनस्पति का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, तो बबुल नीम जो राइट होगा वो आप लिख देंगे। मच्छरों को भगाने के लिए किस वनस्पति की पत्तियों को जलाया जाता है, तो जो राइट है आप वो लिख देंगे इन दोनों में से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, रिक्त स्थान भरिए, तो महिलाएं डैश के पौधे की पूजा करती हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं। फिर अगला देखिए, डैश की पत्तियों को कपड़ों और अनाज के दानों में अनाज के साथ रखने से कीड़े नहीं लगते, तो यहाँ किसकी पत्तियाँ आएँगी वो लिख देंगे। नीम के फल को क्या कहते हैं वो यहाँ लिखना है आपको। फिर इसके बाद अगला है आपका दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, तो यहाँ मैंने पांच शब्द दिए हैं, पत्ती, महिला, चौखट, कीटाणु, पौधा। अगर एक है तो ये होते हैं और एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छी तरह याद रखना, जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई में बदल के तब यहाँ लगता है, ठीक है ना। तो इनको यहाँ लिखेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो पहले आप इसको अच्छे से लर्न करिए, और लर्न करने के बाद ही आप इसे अपनी कॉपी में बगैर देखे ईमानदारी से लिखेंगे। और अगले टर्न के लिए आप इसी चैप्टर को, इसमें से जो बचा है, जैसे क्वेश्चन आंसर है और जो विलोम शब्द फिल करने हैं वो सब, है ना, जो बच गया है वो सब आप लर्न करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।